ये वीडियो बेहद ही शानदार और दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी के हीरो किस जगह से आए हैं, यानी कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विराज भट्ट की। विराज भट्ट को भोजपुरी में बहुत पसंद किया जाता है और इन्हें एक्शन स्टार भी कहा जाता है। बात कर ले ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो विराज भट्ट नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये मुंबई में ही रहते हैं। दूसरा नाम है यश कुमार मिश्रा का। यश कुमार मिश्रा का भी भोजपुरी में खूब बोलबाला है और ये भोजपुरी के चमकते सितारे हैं। ये सिंगर और एक्टर दोनों ही हैं। बात कर ले ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो यश कुमार मिश्रा यूपी से हैं। जी हाँ, यश कुमार मिश्रा का होम टाउन उत्तर प्रदेश है। तीसरा नाम है राकेश मिश्रा का। राकेश मिश्रा भोजपुरी में ज्यादा फिल्में तो नहीं करते लेकिन ये गाने बहुत गाते हैं। जी हाँ, राकेश मिश्रा को एक्टिंग से ज्यादा दिलचस्पी गायकी में है, लेकिन फिर भी राकेश मिश्रा ने भोजपुरी में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। बात कर ले ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो राकेश मिश्रा रा बिहार से हैं। चौथा नाम है प्रमोद प्रेमी का। प्रमोद प्रेमी के गानों को भी पसंद किया जाता है और इनकी फिल्मों को भी। ये दोनों ही वे में खूब प्यार बटोरते हैं फैन से। बात कर ले ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो प्रमोद प्रेमी भी आरा बिहार के रहने वाले हैं। पांचवा नाम है रितेश पांडे का। रितेश पांडे एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये अपनी गायकी की वजह से बहुत ही जल्द भोजपुरी में छा गए। कहा जाता है कि इनकी आवाज पवन सिंह की आवाज से मिलती जुलती है। रितेश पांडे का सबसे सुपरहिट और फेमस गाना है हेलो कौन। गायकी के अलावा इन्हें एक कलाकार के रूप में भी बहुत पसंद किया जाता है। अब बात कर ले रितेश पांडे कहाँ के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रितेश पांडे का सारा बचपन बनारस में ही बीता है। रितेश पांडे ने बनारस में ही गायकी सीखी, इन्होंने अपनी शिक्षा भी बनारस में ही पूरी की। रितेश पांडे को भोजपुरी में जमाया उनका एक गाना जिसका नाम था जाए चंदा। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि रातों रात रितेश पांडे स्टार बन गए। फिर एक के बाद एक गाने इनके भोजपुरी इंडस्ट्री में आने लगे और गानों के बाद इन्होंने फिल्में भी करनी शुरू कर दी और आज ये भोजपुरी के सुपरस्टारों में से एक हैं। भले ही रितेश पांडे का सारा वक्त बनारस में ही बीता है, लेकिन रितेश पांडे बिलोंग करते हैं सासाराम से। जी हाँ, सासाराम जिला से है रितेश पांडे। छठा नाम है अरविंद अकेला कल्लू का। कल्लू एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने भोजपुरी में अपना पैर बचपन से ही जमाया है। जी हाँ, इनके गानों को बचपन से ही खूब प्यार मिलता है। कल्लू ने काफी दिनों तक भोजपुरी में गाना गाया, फिर कल्लू ने एक्टिंग करनी शुरू की, फिल्मों में अपने किस्मत आजमाने लगे और आखिरकार कल्लू को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई फिल्म त्रिदेव से। जी हाँ, त्रिदेव से ही कल्लू ने सुपरस्टार का खिताब अपने नाम कर लिया और कल्लू बक्सर के रहने वाले हैं। सातवां नाम है प्रदीप पांडे चिंटू का। चिंटू का जन्म मुंबई में ही हुआ है और चिंटू ने मुंबई में ही एक्टिंग और गायकी सीखी है। इनकी पढ़ाई भी मुंबई में ही पूरी हुई है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि बचपन से ही मुंबई में रहने वाले चिंटू पांडे इतनी अच्छी भोजपुरी कैसे बोल लेते हैं, तो हम आपको बता दें कि चिंटू के मुंबई के घर का माहौल बिल्कुल देसी था। चिंटू के पापा और चाचा भोजपुरी डायरेक्टर हैं, इसलिए इनके घर में भोजपुरी भाषा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, जिस कारण से चिंटू बचपन से ही भोजपुरी बोलते हैं। अभी चिंटू भोजपुरी का जाना माना चेहरा है, सुपरस्टारों की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल है। चिंटू का जन्म भले ही मुंबई में हुआ है, लेकिन चिंटू मोतिहारी बिहार से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, चिंटू मोतिहारी के रहने वाले हैं। आठवां नाम है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी को भोजपुरी का जन्मदाता कहा जाता है। मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से मनोज तिवारी और भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों को ही एक नई पहचान मिली। मनोज तिवारी एक सिंगर भी हैं और एक एक्टर भी हैं। फिलहाल मनोज तिवारी ने इंडस्ट्री को छोड़ दिया है और अपना पूरा ध्यान वो पॉलिटिक्स में लगा रहे हैं और मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिला के रहने वाले हैं। नौवां नाम है रवि किशन का। रवि किशन ने एक्टिंग में डेब्यू किया था बॉलीवुड फिल्म पीताम्बर से। रवि किशन ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बॉलीवुड जैसी कई इंडस्ट्री में काम किया है। रवि किशन ने बॉलीवुड के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया। भोजपुरी में इनको खूब सारा प्यार मिला और ये भोजपुरी के शहंशाह कहे जाने लगे।
रवि किशन का डायलॉग जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये डायलॉग रवि किशन का बहुत फेमस है। रवि किशन ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और रवि किशन जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दसवां नाम है निरहुआ का। निरहुआ का असल नाम दिनेश लाल यादव है, लेकिन निरहुआ नाम इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री से मिली। जी हाँ, निरहुआ सटल रही ये गाना इनका इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इन्हें निरहुआ कहकर ही बुलाने लगे। गायकी के बाद इन्होंने एक्टिंग में कदम रखा और फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान मिली और एक के बाद एक फिल्म में ये सुपरहिट देते गए और फिलहाल सुपरस्टारों के टॉप 3 लिस्ट में ये शामिल है। और निरहुआ गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ग्यारहवां नाम है पवन सिंह का। पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप लागे लू ये गाना इंटरनेशनल लेवल तक बजता है। जिनको भोजपुरी समझ में नहीं आती वो भी इस गाने पर थिरकने लगते हैं और इसी गाने की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री को लॉलीपॉप इंडस्ट्री भी कहा जाता है और इसी गाने ने पवन सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। पवन सिंह के पास इस गाने को रिक्रिएट करने के लिए बॉलीवुड से बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन पवन सिंह ने हर बार ही उस ऑफर को ठुकरा दिया। पवन सिंह आज इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि आज इनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाती हैं। और पवन सिंह आरा बिहार से हैं। पवन सिंह अपने गानों में आरा जिला का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। इनका एक गाना आरा जिला उखाड़ देला किला ये लाइन बहुत पॉपुलर हुआ था। तो जी हाँ, पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं। बारवां आखिरी नाम है खेसारी लाल यादव का। खेसारी को भोजपुरी में ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि आए दिन इनके फिल्म में गाने ट्रेंड होते रहते हैं। खेसारी ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने दम पर बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता हासिल की है। खेसारी भोजपुरी में अपनी कॉमेडी की वजह से खूब पॉपुलर हैं। बच्चे बच्चे के जुबान पे आज खेसारी का नाम है और खेसारी गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। खेसारी आज भोजपुरी के नंबर वन सुपरस्टार हैं और खेसारी को बेस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है और खेसारी सिवान बिहार के रहने वाले हैं। वेल, तो हमने आपको भोजपुरी के तमाम हीरो के बारे में बताया कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें।